हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए एपिसोड में, जहां आज का फंडा है इनेबल हाइपर ओएस 2.1 और न्यू फीचर्स ऑन एनी Xiaomi डिवाइसेस रनिंग हाइपर ओएस 2.0, जिन्हें मैं अपने नोट 13 प्रो 5G पे भी यूज कर रहा हूं। तो फिर आइए जानते हैं कि वो कौन से फीचर्स हैं और इन्हें कैसे इनेबल किया जाए। मगर उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वैसे दोस्तों, अगर आप एक iOS 18 स्टाइल कंट्रोल सेंटर ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड में एक थीम की वीडियो मिलेगी, उसे चेकआउट जरूर करें। अब बात करते हैं इन दो न्यू HyperOS 2.1 फीचर्स की, जो कि एक वॉलपेपर बेस्ड फीचर्स हैं, जिन्हें हम अपने लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे यूज या फिर अप्लाई कर सकते हैं। और इस फीचर को यूज करने के लिए हमें जाना होगा अपने फोन के गैलरी ऐप पे और फिर कोई भी एक वॉलपेपर को सेलेक्ट करके इसे अप्लाई करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन इफेक्ट्स पे हमें एक न्यू इफेक्ट लेंस देखने को मिलेगा, जिसे अगर हम अप्लाई करें तो हमें कुछ इस टाइप की इफेक्ट अपने लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। वहीं इसके साथ अगर हम होम स्क्रीन इफेक्ट के तरफ आएं, तो यहां पे वॉलपेपर स्क्रॉल के अलावा हमें एक और न्यू फीचर ब्लर देखने को मिलेगा, जिसे अगर हम अप्लाई करें तो होम स्क्रीन की वॉलपेपर ब्लर हो जाती है। तो ये फीचर उन यूजर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी जिन्हें होम स्क्रीन पे ब्लर वॉलपेपर यूज करना अच्छा लगता है, जिसे अप्लाई करने के लिए पहले किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते थे। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि वॉलपेपर अप्लाई करने के बाद भी इस होम स्क्रीन के ब्लर इफेक्ट को आप जब चाहें इनेबल या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं। और इसे यूज करने के लिए आपको जाना होगा अपने फोन के होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन लेआउट में। तो आप यहां पे देखेंगे कि हमें एक न्यू फीचर इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, जिसे अगर टैप करें तो यहाँ पे वॉलपेपर के ब्लर इफेक्ट को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। बट मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आइकन पैक यूज किया जाए तो यहाँ पे इफेक्ट का फीचर होम स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलता है, जिसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और ये क्यों, फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता। तो ये तो हो गई इन फीचर्स की बात। अब फंडा यह है कि इन दो न्यू फीचर्स को कैसे इनेबल किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से कुछ ऐप्स की एपीके को डाउनलोड करने होंगे, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, थीम मैनेजर, MI वॉलपेपर और लास्ट सिस्टम लॉन्चर, जिन्हें आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो फिर आप देखेंगे कि ये दो न्यू फीचर्स आपके फोन पे इनेबल हो जाएंगे। तो फिर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।